अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइबर की डीपी हम कैसे सिंपली के तौर पर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी फ़ोटो डेस्कटॉप पर रख लेनी है। उसके बाद आपने एक जीमेल ओपन करना है। ओपन करने के बाद इजीली आपने सर्च करना है remove.bg और प्रेस एंटर कर देना है। करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो सिंपली आपने इधर अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे वो लोकेशन मांग रहा है, हम लोकेशन दे देंगे डेस्कटॉप की और ये हमारी पिक्चर पड़ी और हम इधर सिंपली ओपन कर देंगे। उसके बाद उसने खुद ब खुद ही हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड मूव करके दे दिया है। उसके बाद सिंपली इधर हमने एडिट वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर कलर पे जाना है, कलर पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कलर्स शो हो जाएंगे, सिंपली उस पर क्लिक करना है, वो कलर शो हो जाएगा। तो आप जो भी कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे येलो कलर पसंद है। इस पर क्लिक कर देंगे और सिंपली यहाँ पे डाउनलोड के आइकॉन पे क्लिक करके सिंपली डाउनलोड इमेज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम इसके पीछे मल्टीपल कलर का मतलब कोई भी मतलब बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पीछे कैसा शो हो रहा है, ये पीछे बिल्डिंग्स आ गई, घर आ गए, ये पहाड़ आ गए। उसके बाद दोस्तों, कोई भी बैकग्राउंड पे क्लिक करके इधर हम इसे पीछे से ये से भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आगे वाले करके लाइट कर सकते हैं, क्योंकि पीछे वाला इतना नज़र ना आए, सिर्फ हमारी फ़ोटो नज़र आए। उसके बाद ये सबसे गहरा हो गया और फिर सिंपल हो गया। दोस्तों, इधर से हम मल्टीपल कोई भी कलर हमें जो पसंद लगेगा बैकग्राउंड वो कर लें और सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे आइकॉन पे क्लिक करके डाउनलोड इमेज कर लें। उसके बाद हमारी फाइबर की डीपी तैयार हो चुकी है। सिंपली आपने फाइबर पे जाके अपनी डीपी को वहाँ पे लगा देना है। तो उम्मीद है आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।